स्वागत करेंगे. गुड इवनिंग, यू लुक वेरी प्रिटी. एंड टीवी पर इन्हें देखा, फिल्मों में इन्हें देखा, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन्हें देखेंगे. Z5 पे एक्सक्लूसिव, वेरी टैलेंटेड बट एक्सट्रीमली शाय, मोहित रायना. That's what I heard about you. Is it true? Good evening, friends. आप सब यहाँ आए हैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया. आपको इंतज़ार करवाया, उसकी माफ़ी चाहते हैं. वो कुछ एक सड़क बंद हो चुका है जो सबको काफ़ी डीले कर रहा है आज. इनफैक्ट हम अभी भी हमारे बहुत स्पेशल हिस्से का इंतज़ार कर रहे हैं. वो है हमारी राइटर भवानी अय्यर. वो रास्ते में है, वो आ रही हैं. एंड होपफुली बिफोर वी स्टार्ट शील बी हियर. इट्स ट्रू, ही इज़ आई थिंक दी मोस्ट आई थिंक शाई वुड बी द रोंग वर्ड. ही टेक्स हिज टाइम टू ओपन अप. और कहते हैं जो लोग आंखों से ज्यादा बात करते हैं शब्दों का इस्तेमाल कम करते हैं. इज दैट ट्रू? बिल्कुल सही है. सी ही इज स्माइलिंग, ही इज स्टिल टॉकिंग फ्रॉम हिज फेस. इट्स ट्रू. ओके, मैं आपसे माइक चेंज करना चाहूंगी. सॉरी. राइटर साहिबा का हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी लोगों को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी. हमारी डायरेक्टर सोनम नायर, कैन वी प्लीज़ हैव यू ऑन स्टेज. जिन डायरेक्टर, सॉरी, हमारी डायरेक्टर, द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड आर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ मल्होत्रा. ही इज़ नॉट द एक्टर, एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा. मैं पहले बता देती हूँ, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा. मोहित, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली आई एम अ लिटिल थ्रोन ऑफ, क्योंकि वी वर सपोज टू से समथिंग एंड देन सम अदर पीपल वर सपोज टू जॉइन अस ऑन स्टेज. सो आई एम वंडरिंग वेदर समथिंग हैज चेंज्ड. अ लिटिल बिट. यू वांट देम टू कम अभी? नो, इट्स ओके. सो लेट मी स्टार्ट विद सेइंग व्हाट आई वाज वेटिंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू. काफिर कॉन्वर्जेशंस are a very important conversation. It's a conversation that we need to have. मेरे जहन में दो बातें आईं जब मैं सोच रही थी आपके साथ आज क्या शेयर करूँगी, जब मैं काफिर की बात करती हूँ या ह्यूमैनिटी की बात करती हूँ. और वो दो चीज़ें ये हैं. एक, जब मैं एक बंगाली माँ, एक क्रिश्चियन फादर को पैदा हुई, एंड आई वॉज रेज्ड इन अ मुस्लिम होम. और जब मेरी परवरिश हो रही थी, मैं स्कूल ऑब्वियसली सभी बच्चों की तरह जाती थी, तो व्हेन चिल्ड्रन इन स्कूल वुड आस्क मी व्हाट आर यू, आई वुडंट नो व्हाट टू से. सो आई वेंट बैक होम एंड आई आस्क्ड माय मदर, मम्मा एवरीबडी इन स्कूल आस्क्स मी व्हाट आर यू, व्हाट एम आई. शी लुक्ड एट मी एंड शी स्माइल्ड एंड शी सेड, आई होप यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग इन द मेकिंग. मज़हब तुम्हारा क्या होगा वो तुम आगे जाके डिसाइड करोगी, लेकिन तुम्हारा पहला मज़हब हमेशा तुम्हारी इंसानियत होगी. यही सीख मिली है मुझे, और इसी सीख के वजह से जब मैंने काफिर की कहानी सुनी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एज एन आर्टिस्ट जब आप अपने मकसद से अलाइन हो जाते हैं, तब आपकी तरफ वही चीज़ें आने लगती है जिसमें आपको विश्वास हो. एंड आई कंसिडर माई सेल्फ प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट हैज़ मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ जर्नी दैट हैज़ ब्रॉट आउट अ बेटर सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन मी. एंड आई हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक सिद्धार्थ मल्होत्रा, Sapna, his wife, who is also my producer, Bhavani Ayer and Sonam, for believing in me and entrusting me, and most importantly, Z5 for backing a story that means and matters so much to all of us. Thank you. Mohit is so shy, doesn't want to speak a word.
No, I was just thinking where to start from. The humanity is the biggest religion we can ever have. मैं 15-16 साल का था तो मुझे याद है उन दिनों डिजिटाइजेशन नहीं हुई थी, जब बचपन की बात है, जब मॉम डैड कैमरा से पिक्चर्स खींचा करते थे बच्चों की. तो मैं 15 साल का था तो मैं अपनी एल्बम्स देख रहा था बचपन की. उसमें एल्बम्स में एक चेहरा बहुत कॉमन था. तो मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि ये लड़का कौन है मेरे साथ जो इन फोटोज़ में कॉन्स्टेंट है. ये बात कश्मीर की है, जब कश्मीर में हालात अच्छे नहीं थे. तो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि ये फ़हीम नाम था इसका, और ये तुम्हारा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त था, और तुम 7-8 साल तक उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, कभी उससे दूर नहीं जाते थे. तुम लोग स्कूल साथ में जाया करते थे, आते साथ में थे, खाना साथ में खाते थे, और दादाजी हमको उर्दू पढ़ाते थे उस समय, हमारे दादा. और उसके बाद तुम लोग साथ में खेलते थे और अपने अपने घर जाके सो जाते थे. वो समय 8 साल की यादें तो मेरे पास उतनी नहीं है, बिकॉज मैं बहुत छोटा था. बट आई गेस ह्यूमैनिटी, जो सबसे बड़ा रिलीजन, अगर कश्मीर में हालात वैसे नहीं हुए होते तो आई गेस आज मेरे साथ मेरा दोस्त होता बचपन का. द पॉइंट इज दैट वी हैव टू रियलाइज दैट ह्यूमैनिटी आज के टाइम में थोड़ा सा बैकस्टेप लेते जा रही है. सो वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड मेक नोटिस ऑफ इट एंड बी काइंड एंड जनरस टू ईच अदर. दैट्स इट. थैंक यू. Sona. Okay, so we will start the Kafir Conversations with some very dear friends. You can introduce them to the media. Sure. And then we will start our... stay on stage. They'll join us and then we'll start. ठीक है, सो आई विल कॉल देम. वी हैव सम वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. एक है जिनके लिए मुझे ऐसे किताब भरनी पड़ेगी उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उन्होंने काम इतना सारा किया है. वो लिरिसिस्ट है, प्लेबैक सिंगर है, राइटर है, एक्टर है, डायलॉग राइटर है, और इतना सब कुछ है कि मैं एक ब्रेथ में बोल भी नहीं पाऊंगी. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्वानंद किरकिरे. स्वानंद इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट जेनरस ह्यूमन बींग्स आई नो. मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि काफिर के लिए इन्होंने एक पोएम लिखी है जो मैं आप लोगों को बाद में सुनाऊँगी आज. हम जितना भी स्वानंद का शुक्रिया अदा करें वो कम है. थैंक यू शुक्रिया. मैं आप लोगों का कहना चाहूँगा, दिया का कहना चाहूँगा, क्योंकि दिया बहुत अच्छी दोस्त है और हमेशा हमेशा वक्त बेवक्त साथ में खड़ी रही है. और उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये करना है, और उसने कहा था करना है तो करना है. और फिर एक बहुत कहानी है मेरी और सिद्धार्थ की भी, तो वो भी मैं बताऊंगा बाद में. एक मेरा गाना है जो बहुत सालों से हम दोनों के बीच जब भी मुलाकात होती थी तो ये मुझे कहते थे, वो तेरा गाना मैं लूँगा एक दिन, वो तेरा गाना मैं लूँगा एक दिन. और वो कुछ ऐसा घूम के सर्कल्स घूम के चीज़ें फिर वहीं आई हैं जहाँ, जैसे आपने कहा अभी, कि यूनिवर्स आपको उस जगह पे लाता है, फिर वही उन्हीं स्टोरीज की तरफ लाता है जो आप हमेशा कहना चाहते हैं. तो मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट कर पाया छोटे से पैमाने पे, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ. तो वो हम काफिर कॉन्वर्सेशन के लिए बचा के रखेंगे. क्यों दिया? हाँ, वो बाद में होगा, एंड ऑफ द इवनिंग. बहुत सारे सरप्राइजेज है, धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे. अब मैं बुलाना चाहूँगी एक ऐसी सुंदर पोएट को जो जब बात करती है तो बुलेट की तरह सीधा दिल में गोली की तरह लगती है. आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज प्रिया मलिक. जितनी सुंदर ये देखती है उतनी सुंदर इनकी बातें भी होती है. आई कीप सीइंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज ऑफ योर्स. आई एम अ फैन प्रिया. ऑल्सो हमारे बीच एक और ऐसी पोएट है जो खुद जितना पढ़ती हैं उतना दूसरों को पढ़ाती भी हैं, और उनके पास बहुत ज्ञान है तो थोड़ा आज हम लोग भी बांट लेते हैं. अरण्या जोहर. शी इज अ ट्रू फेमिनिस्ट. हा, जेंडर इक्वालिटी पे कभी बात करनी हो प्लीज इनके साथ डिबेट कीजिए. वेलकम. सो गुड टू हैव यू ऑल. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. सो लेट्स बिगिन आवर काफिर कॉन्वर्सेशन. गाइस, तालियों की गड़गड़ाहट बजनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए थ्रू आउट आवर कॉन्वर्सेशन. काफिर का टीजर हमने देखा, ट्रेलर हमने देखा, एंड आई लव्ड इट.
कॉन्वर्सेशन से आपको थोड़ा बिट्स एंड पार्ट्स पता चलेगा एंड देन विल मूव अहेड. क्यों ज्योति जी, सही है ना? स्वानंद, वी लाइक टू स्टार्ट विद यू. ऑब्वियसली शब्द ही हैं हमारे पास अपनी दिल की जुबान बोलने के लिए, तो प्लीज़ आप अपने शब्दों से. जी, मैं फिर काफिर कॉन्वर्सेशंस की इस शुरुआत में यही कहना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी जो हमारा 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 मज़हब है, और सारी बातें दुनिया में इतनी डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन सारी बातें बहुत आसान है, सिर्फ करने की बात होती है, उनको एक बार कोशिश करने की बात होती है. तो मैं पहले आपको एक पोएम, मेरी कविता एक सुनाऊंगा. जॉन लेनन का गाना है इमेजिन, जो सभी को पता होगा. तो उसका एक तर्जुमा या कॉपी नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका एक मेरी तरह से एक उसका संवाद मैंने उसको ये किया है. तो मुझे लगता है कि जैसे जॉन लेनन कहते हैं कि इमेजिन इट कैन बी डन, इमेजिन देयर इज नो कंट्री, यू नो देयर आर नो कंट्रीज, तो हो सकता है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है. तो मुझे लगता है कि उसी को मैं पहले सुनाता हूँ, और उसके बाद में मैं वो गीत गाना सुनाऊंगा जो मेरे और सिद्धार्थ के बीच की कड़ी रहा है, जो मैंने कई साल पहले मैंने शांतनु मोइत्रा ने और जेब और हानिया जो है पाकिस्तान से उनके साथ मिलके हमने ये गाना बनाया था. वो भी संवाद का ही है, जैसे दिया ने कहा कि शब्दों की बात है, तो उसमें भी यही बातचीत है कि हम लोग आओ बात करते हैं, बात करने से बातों से बनती है बातें, तो बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी. तो शुरुआत करते हैं इमेजिन से. इमेजिन हिंदी में, उर्दू में फर्ज करो कोई मुल्क ना हो सकता है, फर्ज करो कोई मुल्क ना हो, ना हो कोई मजहब, फर्ज करो दुनिया में कहीं भी ना हो कोई सरहद, फर्ज करो कोई मुल्क ना हो, ना हो कोई मजहब, फर्ज करो दुनिया में कहीं भी ना हो कोई सरहद, फर्ज करो इंसान को ना हो तेरा मेरा मेरा तेरा कहने की आदत, फर्ज करो, फर्ज ही करना, जस्ट इमेजिन, फर्ज करो इंसान को ना हो तेरा मेरा कहने की आदत, ये धरती है वो सबकी हो पानी जंगल पर्वत, फर्ज करो बंदूक ना हो, फर्ज करो बंदूक ना हो और ना हो बम के गोले, फर्ज करो ना उठते हो ख्यालों में नफरत के शोले, फर्ज करो बंदूक ना हो और ना हो बम के गोले, फर्ज करो ना उठते हो ख्यालों में नफरत के शोले, फर्ज करो ना जात पात हो ना रंग रंग का भेद, फर्ज करो ना जात पात हो ना रंग रंग का भेद, फर्ज करो ना पैसा हो ना काला ना सफेद, फर्ज करो ना जुर्म हो कोई ना पुलिस ना डंडा कैद, फर्ज करो हो सकता है, फर्ज करो ये एक सपना है और इस सपने को जरा मर्जी दो, गिव इट अ थॉट, इस सपने को जरा मर्जी दो और अपने ही जहन को प्यार सीखने की एक जरा सी अर्जी दो, फर्ज करो इस सपने को एक जरा सी मर्जी दो और अपने ही जहन को प्यार सीखने की एक जरा सी अर्जी दो, फर्ज करो कि मैं नहीं अकेला पागल यहां जो ऐसी बातें करता है, फर्ज करो मैं नहीं अकेला पागल यहां, मुझ जैसे यहां हजारों हो, आप भी हो सारे हो, फर्ज करो मैं नहीं अकेला पागल यहां, मुझ जैसे यहां हजारों हो, और फर्ज करो जो ना भी हो तो वो भी सारे अपने हमारे हो, फर्ज करो. मैंने जेब और हनिया से वादा किया था कि ये गाना हम कभी अकेले नहीं गाएंगे, मतलब वो कभी अकेले नहीं गाएंगे और हम कभी अकेले नहीं गाएंगे, इसलिए मैंने कभी गाया ही नहीं ये गाना, पर आज काफिर के लिए ये तोड़ना पड़ा, मुझे लगा कि दिस इज फॉर दैट ओनली. एक्चुअली अलग नहीं हो सकते आप लोग, नहीं, हम अलग, क्योंकि ये गाना आपसे ही बनता है, तो आप जब भी गाते हैं उनका जिक्र और उनकी याद आती है. बिल्कुल. Thank you so much, Swanand. Thank you for Nishant. Joining us, Nishant. Nishant, that was beautiful. On guitar. Thank you so much, Nishant. Thank you.
Okay, Bhavani, I promised you I'll be right by your side. So I'm going to be asking you some questions. Before I ask you a question, I just want to say something. It takes a beautiful soul to write the story you've written. We're not going to talk about kafir right now, but we are talking about why kafir. So we've all shared our stories of humanity and what it is that helped us understand it a little better. Would you like to tell us what to you is humanity? Good evening, everybody. Just when I decided to, when Sid told me that we are kind of going to start work on kafir, I had to go to Srinagar for some work. Coincidentally, it just happened. I went there and I just was talking to one of the little boys who was very happy that he didn't have school that day. And I asked him, why don't you have school? And just a local boy, about 7 or 8 years old. And he said, because of the curfew. And his older brother comes running to him and to me and says, but madam, pata hai, aaj meri talashi hui. And he said it with such pride. And I just was so shaken by the reality of the world that they inhabit, which is so different from what we do. And I felt that it is very important for us to tell those stories to the rest of the country, to the rest of the world, about people living in, you know, these conflict-ridden areas. And to me, the humanity was, you know, them sharing this thing with me as if it's an... They don't blame us. They don't blame anything. They just... For them, it's just a way of life, and they find joy within that. So that was one experience, and it almost seemed like a bookend for kafir, or a beginning for it. Thank you, Bhavani. I have to say here that it takes a certain kind of spirit to feel what it is that you feel as a human being. And I said this earlier, you weren't here, I'm going to say it again. I consider it a privilege to be a part of your journey. Thank you so much. And what you have done with it is... We'll talk about that later. I'm going to switch now to a remarkable young lady who's with us, who's going to share her little experience or whatever it is that you want to share on humanity. Good evening, everyone. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब इस मंच पे हैं बात करने के लिए इंसानियत के बारे में क्योंकि जिस टाइम्स में हम रह रहे हैं जो आजकल हो रहा है यहाँ आजकल नफरत की बात करो तो कोई बात नहीं जहाँ प्रेम की बात करो सबके साथ मिलजुल के रहने की बात करो वहाँ आप कभी कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा समझ के ट्वीट करना सोचना ये लिखने से पहले हिंदू मुस्लिम की बात करने से पहले सोचना जात पात की बात करने से पहले सोचना लेकिन ये जहाँ प्रेम और सद्भाव की बात होती है वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि पहले सोचना सोच समझ के करना एंड आई थिंक इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा गम है कि हम प्रेम और सद्भाव के बारे में बात करने से पहले लोग हमें वार्निंग देते हैं कि सोच समझ के लिखना प्रिया सोच समझ के कहना और मैं नहीं सोचना समझना चाहती जहाँ बात प्रेम की हो जहाँ बात इंसानियत की हो सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया उसके बाद मैं 10 साल बाहर रही हूँ फिर वापस इंडिया आ गई लेकिन एक बात नहीं बदली ना यहाँ पे ना वहाँ पे इनफैक्ट पूरी दुनिया में कि हम अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर मतलब कोई अगर किसी को नहीं जानते हो तो उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना और कहीं ना कहीं ये बात हम सबको सिखाई जाती है बचपन में और हमारे पेरेंट्स के रीजंस होते हैं कि क्यों स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट ना करें In fact, I was talking to Aranya and her mom आज यहाँ पे शुरुआत से पहले ही और मैं उन्हें बता रही थी कि मेरा बॉम्बे में पिछले 3 साल में मैं बॉम्बे में पहले कभी नहीं रही थी I was born and brought up in देहरादून ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले बॉम्बे जितना मुझे पता है वो सिर्फ इंसानियत की वजह से पता है ना दोस्तों की वजह से पता है ना परिवार की वजह से पता है सिर्फ स्ट्रेंजर्स की वजह से पता है
एंड आई वॉज टेलिंग देम अबाउट एन एक्सपीरियंस यहाँ पे कि पहली बार क्वींस नेकलेस बॉम्बे का मुझे एक स्ट्रेंजर ने दिखाया, जिस पे मैंने बहुत शक किया था उसकी गाड़ी में बैठने से पहले. लेकिन मेरा फ़ोन डेड हो गया था, आई वॉजंट कैरिंग कैश. लेकिन फिर मैं बैठ गई एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद दैट एक्सपीरियंस. ना मेरे पास उस इंसान का नंबर है, ना उस इंसान को मुझसे कुछ चाहिए था, कुछ भी नहीं था. ही जस्ट वॉन्टेड टू शो मी बॉम्बे, क्योंकि मेरा तीसरा दिन था बॉम्बे में और मैं ट्राइडेंट में एक इवेंट अटेंड करने गई थी. उसके बाद भी जितना भी बॉम्बे मुझे पता चला स्ट्रेंजर्स के थ्रू पता चला. लेकिन वो स्ट्रेंजर डेंजर, यू नो, इंसान की इंसानियत को पहले ना देखना, ये जो सिखाया गया था ये हमेशा से था. नहीं नहीं, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वो ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो शायद अब धीरे धीरे चला गया. और इस बारे में ही मैं बात करना चाहती हूँ. तो इस बारे में एक साल पहले मैंने एक कहानी लिखी थी जिस कहानी का नाम था मेरा ऊपर वाला, और ये कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. मैं पढ़ के सुनाऊंगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनका मज़ा पढ़ने में है, बोलने में नहीं. लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूँ उस स्टोरी के बारे में. तो देहरादून में जब मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ, तो हमारा घर एक ऐसी जगह पर है जिसमें मैं लोगों को बताती हूँ तो लोगों को लगता है कहानियाँ सुनाती है इसलिए थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता रही है, एक्टिंग भी करती है तो शायद डेफिनेटली बड़ा चढ़ा के बता रही है, बट इट्स रियल. मेरा घर जहाँ पर है, मेरे घर के सामने एक सरदार फैमिली रहती है. मेरे घर के राइट साइड पे एक सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है जहाँ के पादरी हर थोड़े साल में चेंज होते हैं, लेकिन जो भी आते हैं उनकी फैमिली परिवार सहित आते हैं. और दूसरी जो साइड है वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है. और मैं जब भी किसी को ये बात जाती हूँ वो कहते हैं लाइक ओके दैट्स वेरी आइडियलिस्टिक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन ऐसा था और हम ऐसे ही पैदा बड़े हुए. ईद पे उनके घर से सिवाई आती थी, बकरीद पे बकरा भी आता था. मैं बहुत रोती थी, ये तो वही है जिसको मैं प्यार कर रही थी, एंड फिर मैं रात को उसको खाती भी थी बहुत मज़े से. जो सिख फैमिली थी उनके साथ हम गुरुद्वारे जाते थे. तो जो क्रिश्चियन फैमिली थी क्रिसमस पे उनसे मिलना जुलना होता था. तो एक बहुत कम्यूनल, और कम्यूनल शब्द के बारे में भी क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, 2019 में ये शब्द यूज़ करना इतना और कहते हैं नो नो नो. अगर आप शब्दकोश में जाएंगे, डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब होता है एक हार्मनी की सेंस, अ सेंस ऑफ हार्मनी अमंगस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो जी हाँ, बहुत कम्युनल सा माहौल था, क्योंकि कम्युनल एक बहुत ही पॉजिटिव शब्द है जिसको हम सब ने नेगेटिव पेंट कर दिया है, लेकिन वो बाद की बात है. तो मतलब पैदा और बड़ी हुई मोहल्ले वालों के साथ, जाके इधर उधर पूरा सबको जानती थी. लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ये स्ट्रेंजर डेंजर बढ़ता रहा, एंटी सोशल होती रही, लोगों से बात करना कम कर दिया, इंट्रोवर्ट हो गई, नहीं जानना चाहती थी कि आसपास में कौन रहता है. और यही कहानी मेरे साथ बॉम्बे में भी हुई. तो सुनिए मेरा ऊपर वाला. बॉम्बे एक बहुत ही अजीब सा शहर है. यहाँ का अकेलापन यहाँ की ऊँची इमारतों की तरह है, जिन्हें आप देख तो सकते हैं लेकिन छूने के लिए वक्त नहीं. बॉम्बे में कभी किसी का घर नहीं होता. ऐसा लगता है कि सब एक अजीब सी दौड़ में लगे हुए हैं. कहाँ जा रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन कहीं जा रहे हैं ये हम सबको मालूम है. एक और खासियत है बॉम्बे की, बॉम्बे आपको रिश्ते भुलाने लगता है. आप घर, गाड़ी और पैसे से एक ऐसा रिश्ता बना लेते हैं कि आप बस रोटी के साथ नाश्ता, कपड़ों के साथ दोपहर का खाना और मकान के साथ लिपट के सो भी जाया करते हैं. और एक ऐसे ही दौड़ में थी मैं, अपने अकेलेपन से छुपकर जैसे कहीं भाग रही थी. और ऐसी ही एक ऊंची सी इमारत में मैंने घर भी ढूंढ लिया. उस बिल्डिंग में रहते रहते मुझे ऑलमोस्ट एक साल हो गया था, यही बैंड्रा की ही बात है. लेकिन प्रॉपर बॉम्बे स्टाइल में मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है. शायद सुना होगा आप लोगों ने कि जिंदगी में आप अपने दोस्त खुद चुनते हैं, आप अपने दुश्मन भी खुद चुनते हैं, लेकिन आपका पड़ोसी सिर्फ ऊपर वाला ही चुनता है, और समटाइम्स बिल्डिंग का मैनेजर, डिपेंडिंग. एंटी सोशल हूँ मैं थोड़ी, मुझे दोस्ती करनी नहीं आती, और अगर कभी गलती से दोस्ती हो भी जाती है तो वो दोस्ती निभानी नहीं आती. बाहर जाती हूँ तो सिर्फ काम से, घर आती हूँ तो काम से थककर. इसी भाग दौड़ में अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट में जब एक शख्स ने मुझसे बात करनी चाही तो मुझे लगा लाइन मार रहा है. स्ट्रेंजर डेंजर, आशिकों की भी कोई कमी नहीं है बॉम्बे में, तो थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है. और उसने टिपिकल आशिक स्टाइल में कहा, कभी आपको कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना. एंड आई थॉट कितनी घटिया पिकअप लाइन है.
मैंने बात को कट शॉर्ट किया और उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि वो शख्स मेरे घर के ठीक ऊपर रहता है। कुछ हफ्तों बाद उस शख्स ने फिर मुझे अकेले एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा। मेरा एक ऑडिशन था और क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो मैं एक ट्राईपॉड से स्ट्रगल कर रही थी। बालकनी का हल्का छोटा सा एरिया था, वहाँ पे ट्राईपॉड सेट करने की कोशिश कर रही थी और उसने ऊपर से मुझे देखा और कहा कि अगर आज आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताइए। और मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो हंसता ही रहा बोलते हुए, लेकिन उसके चेहरे पर ना कोई छल ना कोई कपट। और एक औरत होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब किसी के दिल में पाप होगा, एक औरत का दिल उसको भाप लेगा। दिस इज दिस सिक्स सेंस दैट वी ऑल हैव। लेकिन उसके चेहरे पे सिर्फ एक हंसी थी और उस दिन मुझे लगा कि यू नो मे बी जेन्युइनली ही इज ऑफरिंग हेल्प, वो मेरी मदद करना चाहता है। लिफ्ट में तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया नहीं था, तो उस दिन मैंने उसको अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया। मैंने कहा बाय द वे आई एम फाइन, मैं अपना रिकॉर्ड कर लूँगी, माई नेम इज़ प्रिया, इफ़ यू एवर नीड हेल्प लेट मी नो। And he was like, oh, my name is, और मैंने कहा no, I'll call you ऊपर वाला। और शायद ऊपर वाले ने ही भेजा था उसे। अकेली रहती हूँ मैं इस शहर में और बीमार बहुत ज़्यादा पड़ती हूँ, लेकिन खुद को संभाल भी लेती हूँ। उस दिन मैं एक शूट से नायगांव से बांद्रा बहुत लेट वापस आई और मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे बुखार हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा बुखार हो रहा है, तो दवाई लेके मैं सो गई। देर रात अराउंड 3 o'clock इन द मॉर्निंग जब मेरी नींद खुली तो मेरा बदन इतना गर्म था कि मैं खुद भी थोड़ी परेशान हो गई। किसी तरह से मैंने थर्मामीटर लिया एंड आई रियलाइज दैट आई हैव गॉट 104.5 डिग्रीज। आई डोंट थिंक मुझे कभी इतना हाई टेम्परेचर हुआ हो। एक आधा दोस्त थे मेरे जिनको कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं क्योंकि इतनी रात हो रही थी। और फिर मुझे लगा कि शायद आज मुझे सिर्फ ऊपर वाला बचा सकता है। किसी तरह से बुखार में तपते शरीर से मैं इंटरकॉम की तरफ गई। वैसे बॉम्बे में घर भी बहुत छोटे होते हैं तो 4x4 का कमरा ही था मेरा तो किसी तरह से मैं इंटरकॉम पे गई और मैंने कॉल किया। मैंने कहा पता नहीं उठाएगा नहीं उठाएगा, उसने उठाया और मैंने कहा यू नो व्हाट, आज मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, आई थिंक आई माइट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। वो नीचे आया एक पड़ोसी के तौर पर, ना कोई दोस्ती ना कोई प्यार ना कोई रिश्ता, सिर्फ मेरे घर की छत और उसके घर की ज़मीन एक दूसरे को कई सालों से जानती थी। अगले कुछ घंटे उसने मेरी बहुत सेवा करी, निस्वार्थ निष्पक्ष निर्मय, जैसे एक माँ अपने बुखार में तपते हुए बच्चे की सेवा करती है। ट्रस्ट मी, उसने ठीक उसी तरह सुबह 6 बजे तक लगातार मेरे ऊपर ठंडी पट्टियाँ रखीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किए एंड डॉक्टर ने कहा कि आई गॉट मलेरिया एंड दैट्स द रीज़न कि फीवर इतना ज़्यादा था। कुछ हफ्तों में ठीक हो गई मैं। उस बीच में पुराने दोस्त भी मिलने आए, एक आधा ने फ़ोन कॉल की, लेकिन उस ऊपर वाले ने उस रात मुझे एक नया रिश्ता सिखला दिया और वो रिश्ता था उन दीवारों का जो हमारे घरों के बीच में तो होती हैं, हमारी सरहदों के बीच में भी होती हैं, लेकिन हमारे दिलों के बीच में नहीं होती, इंसानियत के बीच में नहीं होती। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ बॉम्बे शहर की और उस ऊपर वाले की, क्योंकि दोस्त अगर ज़िंदगी में ना भी हो, प्यार और परिवार आपकी ज़िंदगी में ना भी रहे, ज़रा अपने बगल में देखिए, हम सब का एक पड़ोसी है। थैंक यू। लवली प्रिया, wasn't that amazing? That was so powerful. And you know, हमारे इस कहानी को लेकर बहुत सारी सेरेंडिपिटी हुई है और आज आपने मुझे वापस याद दिला दिया कि कितनी सेरेंडिपिटी हुई है। जब मैं बाद में स्वानंद का लिखा हुआ पोएम सबको सुनाऊंगी, आपको इस बात का एहसास होगा कि ये कैसे सेरेंडिपिटी की बात कर रही हूँ मैं। सिद्धार्थ, आई थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेरेंडिपिटी बिकॉज यू चोज अस, यू ब्रॉट अस टुगेदर। देर मस्ट हैव बीन समथिंग दैट मेड यू रीच आउट टू सोनम, टू मोहित, टू मी, वॉट वॉज इट? For me,
I was speaking to Bhavani this morning, talking about coming here, and I was telling her that 24th June, I was checking my email records, 24th June 2011 is the first time I read Kafir. 2011, 24th June is when Bhavani sent me that script. And I cried and howled, and she knows how emotionally, and even she knows by now, because on the episodes when I've seen, and she and the editor have just seen me crying on the episodes, although I know the material. And that story was so divine that I told Bhavani, yes, I have to tell this story. Please let me tell this story. It took me 8 years. I have gone with this story to, at that point, to every producer. Like I was going with Hitchki, I was going with Kafir. She knows that. These were the two films in my life. These were the two stories in my life, which I was desperate to make. Desperate as in really desperate to make. Hitchki, of course, finally got made. And when I narrated this story to Tarun Katyal at Z5, and I just narrated a 3-minute idea, a 3 or 4 minute idea that this is what I want to do. And by then I had tried, you know, other places. Tarun, his faith in me, Tarun and me go back a long way, but his faith in me of getting Kafir, of getting what, where we were trying to go with Kafir, where he said, make it. And make it the way you want to. Gave me the wings to fly. And with that, I've been meeting you forever. I've been meeting you, and we've been only speaking about working, and we've worked and not worked time and time again, you know that. And at that point only, that night when I've got Kafir, I've met you at a party. Yeah. That night, that very same night. And I've said, come tomorrow. Chinki or Sonam, for everybody. I've known her from my dharma days. And she's everything in my gut, or whatever I know of her. At least the work that she's done was not Kafir. It was Trip or Gippy. But the person I know, or the person I read when I met her, or kept meeting her, told me that if I can't direct it, only she can. And she was wondering too, and she kept smiling. She's saying, but why me? And I'm saying, it's only you. It always will be you. Then we were stuck there. We said, okay, we need Vedant. Who will be Vedant? Who will be a man who is going to, you know, carry this entire show on his shoulders along with you? Get that love story right. Get that human triumph right. And I've been a huge fan of Mohit's from his TV days, and you know. So it was as simple as a phone call to him, where I met him at the Marriott, and I told him and narrated a story to him. And like you said, serendipity, he heard it and he said, bhai, I'm on. So I have to share a secret with all of you. He narrated this 3-minute narration he gave Tarun Katyal, he gave Mohit and me, and all three of us said yes. And Sonam. All four of us. He is a great narrator, but he's a great human being. Because I think the first thing that you experience is the sensitivity he has to the story, which is what makes you feel the story. Thank you, Sid. Thank you. There's one more thing about that song. Every time I met Bhavani, I have played Kya Khayal Hai Tu Bhavani. And I've said, Kya Khayal Hai is the tone of Kafir. When I met Sonam, I played the same song to her and told her, Kya Khayal Hai is the tone of Kafir. Okay, now 1 second. Swanand didn't tell Siddharth what he's going to sing today. So this is the kind of serendipity that has happened on this story and this collaboration. Thank you, Sid. Thank you. Okay, so now we're going to leave the best.
It's only getting better with every person. What would you like to share, Anya? What would you like to tell us this evening? I think I must be among the 5 youngest people in this room, I'd assume. Yeah, I'm very upset about that, but I guess you are. You know, there was a time when I was the youngest person in the room everywhere I went. I see a baby here, so I'm all going to assume I'm the youngest. Okay, yeah, you are the second youngest. There's Dishita, who's yes. Exactly 5 and a half, 6. Say hi, Dishu. Hi, Dishita. So I think I'm speaking for Dishita and I when I say that stories like these are important to generations like mine. My Hindi is not really good, but I think the incredible thing about humanity is that it exceeds over languages. And, you know, people who may not speak the same language could still share humanity, could still share moments that connect us. I think over 70 years ago, Rabindranath Tagore had a piece called Where the Mind is Without Fear, where he said, where our mind isn't separated by narrow domestic walls. And as a young girl, maybe around the age of 13 or 14, I remember reading that and it really sticking with me. Every boundary that this world has been selected by humans, has been man-made. But the one thing that boils us down is that we're humans. I remember reading this quote just a few weeks ago, which says, I wonder if the gods speak of us. I wonder if they know we don't speak to each other because of them. And I thought it was really thought-provoking, especially with the kind of current socio-political state we have in India. I see so many of these news are debates where we're questioning humanity, we're questioning the very cause and motive of different actions taken by people, and you'll be seeing different kind of people sitting, watching it together. You'd see different ages, you'll see different genders, you'll see people identify as different things, bonding over the very idea of being optimistic and being hopeful of a better world. When I read that quote, I was discussing it with a few more poets, and we were wondering, would God be proud of how we've immortalized them? Would God be proud of how we've kept them alive? How we've chosen bloodshed over food fed, how we've chosen to bleed instead of feel, how we've chosen to be separated rather than to be a family. I see different people representing us at different larger platforms, and the people who really want to make it there, people who want to connect us, are making it to platforms that really need to make the change. So conversations like these, I feel, are so important because as a young girl, we've been taught to pick our identity. We've been taught to be vocal, loud, proud. But the one thing that we can't choose to be is human. So I think it's about time that this generation and the coming generations are raised first and most forwardly as humans rather than an identity of gender or religion or ethnicity. Because at the end of the day, that's what we are, human, our human identity, our humanity. Thank you. Thank you. Thank you, Aranya. That was very powerful, like the rays of the sun, concise and strong. So I'm going to get to my sunshine now and give her the opportunity to have the last word, because she must always have the last word. Always. She has earned that honor. But before you speak, Sonam, I don't want to embarrass you, but I just want you to know you didn't prepare a speech because that's not what you do. So Sonam is an antithesis of everything that one would perceive the director of Kafir to be. Only externally. In her heart, she beats Kafir. And I discovered that working with her. I'm not sure whether any of us would have been able to deliver what we have if it wasn't for her humanity, her love, and her belief. But more than anything else, her spirit and her optimism. Yeah, positivity, absolutely. Tell us why Kafir, Sonam? Why?
I know you have like a serendipity of your own. Yeah. With the I should talk about it. You yeah. should talk That's about that. I can talk yes, about. Please do. So I just have to say that I fortunately or unfortunately don't see boundaries or differences. I just don't see it. So I don't know whether it's how I've grown up or what. I just don't know because growing up we were like my mom's like half Punjabi, half Sardarni. My dad was like half Sardarni, half Mallu's ke bacche, and we look like we're from the northeast. So basically we were like whatever. We didn't know what we were, and people used to be like, "Tum kaun ho? Tum kaun?" I was like, "I don't know, yeah. I'm just like a human being. I don't care. Like I'm an Indian human being, and I don't know what it means to be this or that or whatever." So I've just grown up not seeing differences in color or race or age or gender or nothing. Yeah, especially gender. I don't understand why, like, this is a woman's job, this is a man's job. It just doesn't matter to me. I just see a human being, and that's what I see. So when I come across people talking about things like, this person is that, so that it's an other kind of thing, and it's not you, and we are like this, and this is us, and they are them. I'm like, what are you talking about? I don't get it. So, for me, when I heard the story that this fabulous narration that Sid has given with Kya Khayal Hai playing at the end, it just seemed like, why should this story not even just be made? Like, what's the big deal? Like, we have to make the story. There's no reason why people should say no to making this amazing story because of whatever political or whatever, you know, like things can happen from it. The story and the characters are human and we just have to follow that. And weirdly enough, like I don't, because I'm so like blind to all of this, I have a tattoo on my wrist, which is a crescent moon and a star. And when I went to get the tattoo, because I was just like, mujhe tattoo karana hai, main ye moon or star ka tattoo karaungi. The tattoo guy was like, but ye to Pakistan ka flag aap tattoo kara rahe ho. And I was like, oh yeah, that is Pakistan's flag. Yeah, whatever, I don't care. And I got it tattooed. And then when Sid said this is the story, I was like, look, I have a tattoo. So I don't know. I just feel like it's stupid to segregate and divide us when we are, anyway, life is basically really hard anyway, guys. Like, let's not make it harder by creating rifts between us. So that's all I have to say. There you go. That's Sonam for you. I really hope that the Kafir Conversations will give you the opportunity to continue this conversation. We're now going to present something very special to you. And then, of course, we will open the floor to question and answers once you've seen what you have. But before we do that, we'd love to have our dearest MC back on stage. So much. Thank you so much. And before that, I would like all of you to please come ahead so that our photographers can click you. Yeah. Let's have a photo of first. Thank you so much for all your experiences, your song, and your emotions. It was all very beautiful. Thank you for sharing your experiences. Thank you so much. Can we have Aparna on stage, Z programming head, for a photo op? And Dishita also. Hi, can we have this cute kid on stage? Milin. Hi, Aparna, Milin, can we have you on stage, please? And Dishita.
कैसा लगा आप सब लोगों को? या आप लोगों के साथ भी हुआ ऐसा? आगे बढ़ते हैं. I would like to call upon stage Aparna again, please. Z5 programming head. Good evening, everyone. As promised, we meet again. Thank you so much for all the love and support you give Z5. It's thanks to all of you that we are now on a monthly average users of 61.5 million. Our average time spent is over 31 minutes, and that's a huge, huge achievement for any OTT platform which is barely a year old. Kafir is again a project very, very, very close to our heart, and yes, Siddharth, मैंने नहीं सुना था वो वाला, लेकिन उसके पहले ही आई वॉज सोल्ड. क्या ख्याल है, शायद हर नरेशन में हम रो देते. बट ब्यूटिफुल दैट वॉज स्वानंद, रियली रियली ब्यूटिफुल. आई हैड टीयर्स इन माई आईज व्हेन आई हर्ड दैट, सो थैंक यू सो मच. काफिर रिलीजेज ऑन द 15th June. So all of you, please enjoy. It will also be available dubbed in Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. So we've ensured that this beautiful piece of art doesn't get limited only to the audiences who understand Hindi, and of course with subtitles. Z5 is now available globally. So a great piece of art from India, great piece of work is now available globally. So all our consumers from across the world will enjoy this fantastic series. Our series has already got a lot of appreciation, whether it's poster, teaser, trailer. It's trending across on YouTube. And not just our peers, a lot of our industry, a lot of industry stalwarts have given it such great thumbs up, you know, whether it's Karan Johar, whether it's Alia Bhatt, and of course, all the fraternity that loves you both, Diya and Mohit. Thank you so much for being a part of this project. Sid, Bhavani, you're always superb. You know, each of your work is always beautiful. Sonam, yes, you know, no better than a young female director to have told the story. So I'm very, very proud that Siddharth, thank you so much. You're a fantastic director yourself, but Sonam, it's proud to stand on the stage and say yes, the story of this woman is being told by an equally powerful lady director. She was a powerful female producer. Yes, of course. Yes, of course. Your better half, who can? She's been part of the journey throughout. Thank you. Thank you so much, all of you. I guess we should leave the stage for now the cast to take over again and the media to ask them questions. Thank you so much. Yeah, have sure. a lovely but evening. You stay with us because I think media wants to ask a lot of questions to you also. Can we please have our cast back on stage again? Diya, Mohit, Siddharthji, Bhavaniji, Sonam. I must also take this opportunity to thank the Z5 creative lead on this project, Milind. Milind, this is a great job, and believe me, Kafir is one of the finest we have as of date on the Z5 platform. You've all loved Rangbaz, you've all loved The Final Call. Skyfire is getting such great reviews, and Kafir, we just go notches higher. Guys, floor is open for sawal jawab. You guys can shoot. Can we have the chairs for the cast, please? You
You know, I'm very excited that our mothers are here as well. Sonam's mom is here and my mom is here. And another very important person is in our midst who I think was an integral pillar of support, strength and humanity. And that's the cinematographer of the show, Prateek. Thank you, Prateek, for painting the canvas the way you have. It's been really amazing working with you. And we'll keep fighting. That will never stop. But you're really special. Thank you. You guys can have a seat. And we can have question answers round now. Hello. Diya ji. Hello, Diya ji, my question to you is, आप आपके सामने सत श्री अकाल जी, आपने तो बस जी, और लड़की ने कहा कि आपने रोंगटे खड़े कर दिए, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा काम किया आपने. थैंक यू सर. एंड आपने कहा था कि मैं पोएम सुनाऊंगी, वो कब सुनाएंगे हमें? अभी आप सवाल जवाब कर ले फिर सुना दूंगी. कुछ कहिए सीरियल के बारे में, इसके बारे में हमें. अभी हमने एक महफिल भी देखी आपकी, कन्वर्सेशन वगैरह वगैरह, तो इसका क्या रिलेशन है आपकी इस वेब सीरीज के साथ? वेब सीरीज का मुद्दा इंसानियत है जी, तो संवाद तो इंसानियत पे ही होनी चाहिए. तो इसी एहसास से हमने आज का संवाद शुरू किया कि हम सब इंसानियत की ओर बढ़े, और जो बातें हैं जो कहीं जाकर हम भूल गए हैं उन्हें याद करें. गुड मूव इट्स. थैंक यू. हेलो हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया जी. आई लाइक टू आस्क यू दैट आपने फिल्मों में भी काम किया है, सीरियल में काम किया है, और अब वेब सीरीज में, आपको क्या अंतर लगा इन तीनों माध्यम में? आई थिंक फिल्म में कहानी 2 घंटे 10 मिनट या 2.5 घंटे में कहनी पड़ती है. सबसे बड़ा अंतर फिल्म में और OTT प्लेटफॉर्म के नैरेटिव में, ये हमारा 8 एपिसोड का शो है, कहानी 8 एपिसोड्स से कही गई है. आप लिखते हैं तो आप ये जानते हैं, ये आपको जानकारी होगी, एहसास होगा. फ़र्क ये है कि एक कपलेट पढ़ना और पूरा नावल पढ़ना. जब आप नावल पढ़ते हैं तो एक जगह का एहसास, उसके ख्याल, उसकी सोच, हर चीज़ आप में समा जाती है. पर्सनली एज एन आर्टिस्ट आई थिंक यू जस्ट हैव मोर रूम एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू invest and discover and reveal of the character within the story, which you don't have the luxury of always in film. Okay. I think given the fact that it's always limited time, there is always like a limited space allowed to a character. But in a story like this, having 8 episodes and having that time gave me so much as an artist to explore and do and become. Hi everyone, this is Sana from Indian Express here. Hi Sana. The footage completely left a lump in our throat, and the twist was really unexpected. But Diya and Mohit, both of you, while it must have been really difficult to get into this compelling characters, how difficult was it to come out from it while shooting, when you guys like took off? I mean, how difficult was it coming out from the roles? This is such a good question. I don't think I've come out of it yet. It'll take some time. I can just share with you that there were so many scenes that even after the camera would stop rolling, we would still be in. And this beautiful girl here would come and just hold me and give me love, and we would cry together. I don't know if I'd be able to have done that with a man. There were also times when Mohit would look at me and said, "Mat ghus yaar itna, nikal nahi payegi." I'd be like, "I don't have a choice. Ye bas kheench leta hai andar." When I heard the script, the only thing I was very conscious of and I worked very hard on was to become Kainaz. I didn't want to act. And
the material doesn't allow you the room to perform. It just makes you feel. And that is the power of Bhavani's writing. And the second question is to... Yeah, Mohit, please go ahead. No, I would like to give the credit to Sonam because as actors, you know, we are always very selfish and greedy. So I always thought that, okay, to a certain extent only I will go into the scene and perform. But Sonam never accepted that. She made sure that we will go into her character, her scene, ke depth mein ja ke perform karein. And I had ample time to come out of it, so I'm out of it. But yes, it was a beautiful journey and it has just made us think more about humanity. Yeah, Bhavani, my second question is to you. Since we all know Kafir means unbeliever, how did you come zero upon a title like this for this show? Very good questions you're asking. I'm loving it. The definition of Kafir as a word is a non-believer. A non-believer in the traditional, epochs of what deity is or God is or, you know, a person who's a kafir is a non-believer as such. I wanted to slightly subvert the meaning of kafir from being a non-believer of religion to a non-believer, to a believer of humanity, to a believer of a higher echelon of, love towards people which is sans boundaries, which is without any, demarcation between each other. So, to me, both Kenaz and Vedant in the story are kafirs. They are non-believers of religion, but they are believers of something far more supreme. So it seemed like the only natural title that I could call it. Diya, have you gained some power or strength after doing this, immaculate character? I have. You felt it, no? That's why you're asking me. Yeah. This story has empowered me unlike any other. It's given me much more than I could have ever hoped for. And I said this in the beginning of the evening. What more can an artist want than to find perfect alignment with their heart in the work that they do? What message would you like to give to women when they fall in such circumstances, That they always have agency. No matter what our circumstance, we can always count on our spirit. Nothing in this world can subvert our spirit. Nothing. Mohit, playing the kafir, I won't say you must have inculcated those qualities, of course. But how was, bringing it to the forefront? Well, it was very challenging and at the same time, sort of very easy because our writing was so clear because Bhavani had written it. So we always knew what Sonam wanted from it. And the only thing that I was supposed to do was to deliver it to Sonam. That was the challenging part. And that we learned on a daily basis because as actors, we always can see up to an extent. But a director, a visionary who has a certain kind of a vision for the story will always look beyond us. As actors, we are a little limited at times. But I like to give the credit to Sonam because she always made sure that we understood the depth and the nuances to take it ahead, and it was a gradual process on a daily basis. I learned a lot, and it was a great journey. It was a great, great, great journey, and it just made, I guess, our bond even stronger. Sonam, Diya, me, and the kid, we all used to spend so much time together in the story, in the shooting process, that the story was so strong, so our bond just became very strong day by day. Just by watching the trailer, I am so overwhelmed with this kind of subject. I just have one question each to Diya and Bhavani. The first question to Diya is, so many years I've seen you in so many films, but
the kind of impact which you are going to leave all over the country and the world will be much more with Kafir, and what kind of preparation you have to undergo as an actress to get into the skin of the character? Tell them. And tell them what you used to say to Sonam also. Tell them how you used to complain. Tell. मैं शॉट देने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि वो नीचे बैठ के अपने नाखून के अंदर मिट्टी डाल रही हैं, तो मैं ऐसा देखता था कि ये नाखून में मिट्टी क्यों जा रही है, तो पता चलता था क्योंकि ये जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो किरदार है, उसके नाखून थोड़े गंदे होने चाहिए, तो ये कोशिश करती थी कि उसके नाखून पूरी तरह गंदे हो जाएँ। -1 के टेम्परेचर के ठंडे पानी में हम लोग शूट करते थे और ये पानी में चली जाती थी, तो हमें देख देख के लगता था कि भाई ये कहाँ जा रही हैं, थोड़ा सा इन्हें कोई रोक लो, तबीयत खराब हो जाएगी। बट ये इनकी डेडिकेशन है जो आज आपको दिख रही है। मोहित जो कहा उसके अलावा क्या क्या इनपुट्स? सर ऑनेस्टली मैं ये बार बार कह रही हूँ और सही वजह से कह रही हूँ कि जब आपका मटेरियल, रिटन मटेरियल इतना स्ट्रांग होता है ना, तो फिर ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोशिश यही थी कि ठीक है, तो आपको मैं थोड़ी टेक्निकल चीज़ें शेयर करूँगी। वर्कशॉप किया मैंने, वर्कशॉप डायरेक्टर अतुल मोंगिया के साथ, क्योंकि हम चाहते थे कि, क्योंकि ये एहसास और ये जो जर्नी है किरदार की, बहुत अंदरूनी है, बहुत कम बोलती है ये, उसका सब कुछ एहसास पर ही निर्भर है। तो कोशिश ये थी कि जो एहसास है उसको जागृत किया जाए, मतलब टू मेक इट रीच ऑप्टिमम लेवल्स। सो आई वुड मेडिटेट 2 times a day सो दैट आई वॉज इन द प्रेजेंट मोमेंट एट ऑल टाइम्स, स्पेशली विद इन द सीन्स, बिकॉज इफ आई वॉज नॉट हियरिंग वॉट पीपल वर सेइंग टू मी, इफ आई वॉज वरिंग अबाउट वॉट आई हैड टू से, इट वुड शो। So the preparation really was to heighten my sensory perceptions and to take myself to a place where I could experience everything full on, which is why the tears would never stop, which is why we never needed the glycerine, which is why whether it was cold or hot, it didn't matter. The other thing was spending time with the co-actors and the director. And Mohit mentioned a connection and a bond, but I feel like we were destined to meet and our connection was predestined. It took 11 years for Siddharth to tell the story. There is a reason why the universe chose us. I don't mean to be philosophical, I just genuinely believe it. And how many days you worked on in the series? We had 45 shooting days. 40? 40 shooting days. We've shot 8 episodes and each episode is about 40 minutes long. That's like less time than we usually get to make a full length feature, which is 1 hour 40 minutes long. So we did a lot in very little time. And my next question to Bhavani. Bhavani, you have been a journalist with Stardust Group for so many years, and now you are becoming, or you already become, a successful writer also. What difference do you find between your two different jobs? Earlier as a journalist, ferreting out the gossip from stars, and now as a writer who tries to get into the people's emotions. Before that, there was one more role that I had. I was a copywriter with an ad agency. Oh. So there are 3 different kinds of writing that I've done. I was with Stardust for a very short time, actually about a year or so. The difference is that I was a very bad journalist because I could not ferret those stories out. I'm hoping I'm a better writer than I was a journalist. Hi, I'm Heer Kothari from Free Press Journal. And my question to you is, given the situation in February 2019, when things were tense between India and Pakistan, how did you manage to shoot?
Director, producer, yeah, I can answer that one. So we were scheduled and we were booked, in fact, to go to Srinagar. We were shooting there. And our entire unit, everything was ready to go there. And given that exact time when we were going to shoot, we were told, don't come. We were 4 days or 5 days away from shoot. And there was a lot of heartbreak from my side even, which came out on them even. Because I had this time frame to tell the story. Or else this time frame would have gone. So we went and we shot in a place called Sangla, which is 14 hours away from Chandigarh. 88 hours from Shimla. So there literally it was -3 to -6, -1 very few days. Actually pretty much -3 to -6. So the shot that you saw, Diya coming out of that water literally freezes you. So she was being shouted at from everybody, including me, that why are you going into water? Her entire unit, my entire team, the production people. Prateek has been a miracle man. He's been, our DOP has been a miracle man, and that's the reason their chemistry along with the actors has helped us deliver, tell the story. Otherwise, everything went out of boundaries and our entire plan went for a toss. But it was, I think, again it was meant to be. It was serendipity again over there that made this and, got this through. I just want to say one thing. During the attacks, there was a very different flavor going on in the country. And I just was so proud of all of us that we didn't question the fact that should we make this show or not. We just went in and we're like, this story has to be told. And now more so than before. So thank you to Z5 for that, and actually. Really. Because they could have stopped us and they didn't. So this is for Mohit. Mohit, you had your childhood in Kashmir. Your blockbuster film in Kashmir, and now your debut in a film series which is set in Kashmir. So is Kashmir a lucky factor for you? It's serendipity. Oh, yeah. Lovely question. See, as everyone is saying, it's the same reason. Yes, the backdrop is Kashmir, but what got me attracted to this show was the story. I was in, as Siddharth mentioned earlier, that when he narrated the story to me, I was sold on the table, irrespective of the fact that where it came from. Yeah. Hello. Hi, Diya, and congratulations. Thank you. Thank you. Is Z5 available it's available in 145 countries in the world, right? This is a story of humanity, right? And across the border, everywhere, you have only humans staying. And like she rightly said, the borders were made by humans. Kahani insanon ki hai, wo insanon ko kahin par bhi honge pasand aayegi hi. We are not really bothered about is desh ke log kya kahenge, hamare deshvasi kya kahenge, ye kaun sa brigade kya kahega, ex kya kahega. We are not bothered about that. You know, it's just a beautiful story. We want to tell it. Can I share a line with you? Ek dialogue hai. Jab jail ki salakhon se main roz khule aasman aur pahadon ko dekha karti thi, तो मुझे वही पहाड़ और खुला आसमान दिखते थे जो मैं अपने गांव में देखती थी. इंसान सरहदें बनाता है, कुदरत नहीं. गाइस, वी हैव टाइम फॉर लास्ट टू क्वेश्चंस. हाय, भवानी एंड सोनम, दिस सच अ बिग इवेंट. मुझे लगता है कि ये बिगर स्क्रीन पर बीइंग
Z can release it in the theaters. Come on, Z. You can watch it on your home theater. Hi, towards your left and at the back. Hi. Hi. This question is for Sonam and Bhavani. You know, after Razi released, Meghna said in an interview that had a man directed Razi, Sehmat's character would have been caricaturized, and also that Iqbal, Vicky's character, wouldn't have had that sensitivity. And this show is directed by a woman, written by a woman, fantastic. So I have to ask both of you, do you feel when we especially do stories like these, where we're talking about us versus them, division and unity, a female gaze treats these stories differently and with more sensitivity and less stereotypes and caricatures? Thank you for the question. And I don't really think that a male gaze is stereotypical. There are very sensitive male writers who would have told the story with sensitivity. But yes, because the story, both these, whether it was Razi or whether it is, let's talk about our show, we have a woman protagonist who is very integral to the narrative. So probably being a woman, it is easier to get into the mind space and tell a slightly more nuanced story. But I do believe that a man writing this or a man directing this would have brought his own flavor to it. I don't think it would have been... Teach you while you were working. Okay, I'm so glad you asked this, Jigar, because it's so important to acknowledge this magical child seated on my right. I'm going to say what I have to say, and I think Sonam would like to add to it as well. Seher Dishita made me a mother. I don't believe you need to biologically produce a child to become a mother. This child has the most incredible ability to capture your heart and spirit. She is blessed with an emotional intelligence that many people think is rare for a child her age, but I believe all children are blessed with this. It takes for their parents to allow them to be who they really are. And Jigna, Dishita's mother, is an extraordinary woman who is raising an extraordinary child. She understood everything. And the one thing we would say to each other before every shot was, Seher will take care of Ammi. And that's what she did. In every moment, in every scene, this child was taking care of her mother. Dear Justin here from PTI. Hi, Justin. Yeah, the show rightly emphasizes on the importance of being a humanitarian. But tell me, how do you view these times when there's this intense us versus them divide? When, I mean, art is the best medium to propagate something like being humanitarian. And yet we have sort of banned actors from the other side of our country not to come and work here because they belong to that side of the world. As an actor, as a humanitarian, does this bother you? See, can I answer this question? Thank you. Art always suffers at the hands of fear. But also art is always ignited and refueled because of fear. I believe that these prejudices that are being imposed on us not just take us away from our neighbors, they take us away from ourselves. And when we deny ourselves the opportunity to communicate and exchange hope and love, we are only expressing to the world how fearful we are. Thank you.
With this, thank you so much, dear friends from media, for making this Kafir conversation so emotional. I could see those tears in bits and parts. Thank you for your time. And okay, guys, hold on. Poem, do you want to listen to that special poem? Or I can recite it some other day. We can always meet again. Okay, chalo. सेरेंडिपिटी की बात है तो जो प्रिया ने कहानी सुनाई आपको वो सेरेंडिपिटी इस पोएम में नज़र आएगी. ये पोएम स्वानंद किरकिरे ने लिखी हमारे लिए काफिर के लिए. ये पोएम कैनाज वेदांत के लिए लिखती है. ये सिर्फ दो इंसानों की कहानी नहीं है, ये दो देशों की भी कहानी है. लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की लड़ाई थी. जीत मिली हम दोनों को बस, बस आंसू की कमाई थी. तुम पंछी थे और मैं थी मछली, हम दोनों की अलग थी दुनिया, अलग जुबां और अलग जहां. सब कहते थे हम दोनों का इस दुनिया में मेल कहां, पर भूल नहीं पाऊंगी वो लम्हा जब दिल की धड़कनें सुनाई थी. लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो बिछड़ जाने की कहानी थी. ये बिछड़ना मिलना ही तो शायद मोहब्बत है, अपने प्यार को वो दे देना जिसकी उसे जरूरत है. हम दोनों थे कैद कहीं अपनी समझ की सलाखों में, तुमने ऐसा रिहा किया खुद आजादी शर्माई थी. मिलेंगे हम ये वादा है रोज रात चांद के जरिए, मैं भेजूंगी पैगाम तुम्हें इस बहती हुई हवा के जरिए. साथ रहेंगे सोच में दोनों नाजुक नाजुक यादों में, रोज तुम्हारा जिक्र रहेगा इधर उधर की बातों में. मैं कहूंगी मुझको एक मिला था पागल जिसने जिंदगी सिखाई थी, तुम कहना सबसे एक जिद्दी पड़ोसन अपने घर भी आई थी. चलो बहुत हुआ, अब चुप मैं रहूंगी, चुप्पी में मजमून है ज्यादा. तुम जैसा बनना कहूंगी सबको, बस इतना ही मेरा वादा. इससे ज्यादा कहूंगी कुछ तो फूट पड़ेगी रुलाई भी. लोग लड़ते हैं मिलने की खातिर, पर अपनी तो पिछड़ जाने की लड़ाई थी. थैंक यू सो मच स्वानंद. सो द रेफरेंस ऑफ पड़ोसन, पागल, देयर इज लॉट्स ऑफ सेरेंडिपिटी हियर, एंड आई हैव अ फीलिंग दैट you're all going to experience this serendipity. I know it. Thank you. Thank you so much for giving us your love and your time. Thank you. Thank you, guys. And Dia and Mohit are available for Common Bites for electronic media. So you can come ahead. Yeah.
Yeah. What experience? Television है, film है, web series पे भी आप हो, so मतलब कौन सा मतलब दिखे करीब लग रहा है अब आपको मतलब तीनों medium? मेरे हिसाब से कोई differentiation नहीं है क्योंकि एक माध्यम जो फिल्म का है वो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है, डिजिटल बहुत अलग एक्सपीरियंस देता है. जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी, आपको ज़्यादा समय मिलता है कैरेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए, उसे दर्शाने के लिए. लेकिन फिल्म में चैलेंज वही होता है कि यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सो यू हैव टू से सो मच मोर इन लिमिटेड टाइम. टेलीविजन इट्स द सेम थिंग. इट्स फॉर मी पर्सनली आई थिंक because I haven't done fiction on television yet, it was more like a personal reality kind of experience. I have thoroughly enjoyed working for digital kyunki character itna strong tha, story itni strong hai, itna kuch karne ko mila, itne acche logon ke sath kaam karne ko mila ek to mere liye I think अंतर नहीं है. एंड ये जो डिविजन्स है वो हम ही क्रिएट करते हैं. आपको प्रेस में भी नज़र आता होगा ये. इनफैक्ट हाल ही में बात हो रही थी इन सेग्रीगेशंस की, इन डिविजन्स की. तो आई थिंक इनडायरेक्टली काफिर का जो नैरेटिव है वो इन्हीं प्रेजुडिसेस को एड्रेस करता है. हमारे बहुत सारे प्रेजुडिसेस होते हैं ना एक दूसरे की ओर, खुद की ओर, सरहदों की ओर. सो it's interesting how you discover that it's also meaningless because eventually we're doing the same thing. जैसे आपको मतलब काफी के लिए कास्ट किया गया है, जैसे तुरंत आपको खबर मिली कि आपको कास्ट किया गया है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपके मन में? मुझे पूछा गया कि क्या मैं ये करना चाहूँगी और मेरा 10 सेकंड में उत्तर आया कि मैं ज़रूर करूँगी. और नॉर्मली मैं ऐसा कभी नहीं करती. मैं हमेशा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, पूरा घर पे बातचीत होती है, 10 परमिटेशन कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचा जाता है. पर ये कहानी इतनी ताकत है इस कहानी में कि बिल्कुल सिद्धार्थ से मिलके 5 मिनट में मैंने डिसाइड किया कि मैं ये कहानी का हिस्सा बनना चाहूँगी. मेरे लिए तो नहीं, मेरे लिए भी नहीं. आई थिंक मैं हमेशा से शुरू से ये कहता हूँ कि कहानी जो होती है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा हीरो हीरोइन जो सबसे बड़ी स्पेस दी जाती है वो कहानी को दी जाती है. तो ये कहानी सबसे ज़्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट होती है. सो व्हेन सिद्धार्थ हम दोनों के पास सेपरेटली आए थे इस कहानी को लेके आए कि मैंने तो शुरू के 2-3 मिनट में ही आई वाज ऑलरेडी इन माय हेड थिंकिंग दैट व्हाट ऑल कैन आई डू टू बिकम वेदांत. सो आई वाज सोल्ड देन एंड देयर एट द टेबल एंड आई थिंक सेम एज शी सेड अप्लाइड फॉर. सो कौन सी कहानी? इट वाज अ स्टोरी. It was just the story. Nothing else mattered. आप दोनों से जानना चाहती हूँ कि हमने अभी कई सारी बातें की, काफ़ी दिल को छू जाने वाली बात, लेकिन एक जो किरदार आपका जो इसमें किरदार है काफिर में, अपनी पर्सनल लाइफ से एक ही क्वालिटी कोई चीज़ अटैच करता था आपको जो उसकी तरफ खींचता गया है, सब एक चीज़ कोई काम करता है. लव, प्यार. आई थिंक पर्सनल लाइफ में भी मैं, मेरे साथ जो भी होता है लाइफ की, जो भी एक्सपीरियंसेस होती हैं वो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी दर्दनाक हो, मैंने कभी भी ग्रजेस को नहीं पाले हैं पर्सनली. मैं वो पालती नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रजेस वीकन योर स्पिरिट, वो आपको ही कमज़ोर बनाते हैं. और आई थिंक अगर एक सिमिलैरिटी है वेदांत के किरदार में और मेरे एक्चुअल पर्सनैलिटी में, वो ये होगा. I don't know what you have in common with Kenaz. A lot of the spirit that she has. Spirit. Yeah. So you are associated with lots of NGOs where you do really lots of social work also, you know, where you feel that insaniyat jo hota hai, that is on a ground level. You know. That thing also helps you. Of course it does. When you are connected to reality, you see things that are happening in the world, you understand what's happening with the world, and your fight is for human beings, for peace, for love, for opportunity, for equality.
then those, that understanding, those real experiences help you understand such narratives better. It is always your personal life experiences that help you understand the stories that you essay or the stories that you are a part of better. मैंने कह रही कि अगर ये experiences नहीं होते तो शायद मुझे ये कहानी नहीं समझ में आती. ज़रूर समझ में आती, लेकिन शायद थोड़ी कम समझ में आती. I was very happy. I love the mountains, I love nature. मैं जहाँ पर भी देखती थी मुझे सुकून महसूस होता था. तो even though the work on most days was very dark and very intense and we had very long working days, मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी, क्योंकि एक तो काम से इतनी एनर्जी मिलती थी और लोगों से इतनी एनर्जी मिलती थी. I was so happy working with Mohit and Sonam and Pratik and Dishita. But I think even the environment, साफ हवा, साफ पानी, साफ खाना, जहाँ पे भी देखो खूबसूरती, it makes a big difference. क्या बदलाव लाया आपके ज़िंदगी में, मतलब ये किरदार, शूटिंग वगैरह, हर चीज़ कुछ बदलाव लाया होगा जैसे? जब हम वहाँ पे शूटिंग करने के लिए थे, बेसिकली बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी कल्पा में, जो हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटे से गाँव है जहाँ पे हम लोगों ने शो की शूट की थी. ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं था इनिशियली, टेम्परेचर्स बहुत ड्रॉप हो गए थे. सो उसमें एक लेवल तक आपकी बॉडी जवाब दे जाती है. सो आई गेस वहाँ पे पेशेंस बहुत सीखी हम लोगों ने. बहुत लोग, हम लोग शुरू में इनिशियली काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी, बट आई गेस स्लोली स्लोली ग्रेजुअली वी गॉट अडैप्टेड टू द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट. एंड आई थिंक या दैट इज़ वन थिंग वी लर्न एट दिस मोमेंट वॉज पेशेंस. I've shot with children before, but I've never shot with a child like Dishita. वो बहुत, वाकई में बहुत स्पेशल बच्ची है. मैं यही कह रही थी पहले भी कि दिशिता ने मुझे माँ बना दिया, और उसमें है ये खूबी, ये खूबसूरती, वो इंस्टेंटली आपके दिल को पूरी तरह से. या शी इज़ अ ब्लेस्ड चाइल्ड. आई हैड सो मच फन विद हर, ही इज़ विटनेस टू इट. वीड बी रनिंग एंड चेसिंग ईच अदर एंड मेकिंग अप स्टोरीज एंड हैविंग फन. एंड देन ऑफकोर्स बिफोर वी हैड टू शूट वी वुड पिकम कैनाज एंड सहर, एंड इट वॉज लाइक दिस शी वुड जस्ट ट्रांसफॉर्म. आई थिंक दिशु ब्रॉट आउट aside to Mohit also, that was really beautiful to see. He's wonderful with children and especially with her. I don't know whether he's wonderful with all children, but he was definitely amazing with her. They share a very special relationship on screen and off screen, and it's amazing. So overall काफी की जर्नी में कोई ऐसा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस जिसने टच किया हो जो आप शेयर करना चाहते हैं? On screen, as in on the script? पूरे जर्नी में शूटिंग के दौरान या आपके कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस है, इंसिडेंट जिसने टच किया हो तो शेयर. आई गेस ये इस कहानी ने ही हमको सबको टच किया था. इस कहानी के अलावा अगर आप हमसे पूछे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे कल्पा के, जिन्होंने जो एक शूटिंग फ्रेंडली इलाके में नहीं रहते हैं, दे आर नॉट यूज टू लॉट ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज एक बहुत छोटा सा गांव है और छोटे बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन है वहाँ की. उन लोगों ने हमें जितना प्यार दिया, कभी कभी हम लोग बोर हो जाते थे होटल्स का खाना खा खा के, तो वहाँ के कुछ लोग हमें घर का खाना बनाकर हमारे लिए लेकर आते थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ पे थे. सो वो ऐसे छोटे छोटे जो ऐसे जेस्चर्स होते हैं लोगों के, वो बहुत छू जाते हैं आपको. सो आई गेस तभी हमें लगता था कि इंसानियत शायद अभी थोड़ी सी बाकी है और आगे जैसे जितना इसे फैलाया जाए उतना अच्छा. अच्छा, ट्रेलर की बात करें, पोस्टर की बात करें, तो काफ़ी पहले रिलीज हो गया था और कई सारे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई एक कॉम्प्लीमेंट जो आपके दिल को छू गया हो और निजी ज़िंदगी में किसी ने ऐसा दिया हो? आई थिंक मेरी मॉम का रिएक्शन. वो कहानी नहीं जानती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जब कुछ दिखे तो उनको खुद एज एन ऑडियंस वो डिस्कवर करें कि क्या है. उन्होंने मुझे सिर्फ दो सेंटेंस का एक मैसेज भेजा था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि एवरी टाइम आई एम सीइंग एनीथिंग फ्रॉम काफिर, इट इज़ मेकिंग मी चोक.
And I saw all of you choke today. So I think ki unka jo instinct hai, unki jo feeling hai, intuition hai, wo itna strong tha. Aur I think yahi intuition aur yahi instinct hai jo humko saath laya aur hamare humse jo kaam hua hai wo ho paya. Exactly the same decision. Yeah. Also talking about the content, you know, digital platform ek aisa platform hai jo content wise bahut hi zyada strong ho gaya hai aur bahut hi acche content dene lage hai digital platform ko as a competition kis tarike se dekhte hai is cheez competition for what digital platform is stories aati hai us mein like digital platform mein competition. I think it's very healthy. I think digital space ne hum sab ki simaon ko tod diya hai aur jo personal censorships hoti thi box office ko lekar as a producer I'm speaking now that the kind of pressures you feel when you're putting a film together are enormous. Thankfully the digital platform doesn't make you undergo those pressures. It's a very democratic process. There's freedom. There's no censorship and there is no pressure of the box office, which is unreasonable. I mean, it's really the taxation and the real estate in the country that has crushed the backs of producers, and it takes a lot to be able to just tell a story. And I think what the OTT platforms have done is that they've given us the freedom to just be and tell the stories we want to tell. I also think ki, as an artist, एक बहुत इंटेंस क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है क्योंकि जब आप लॉन्गर फॉर्मेट में कहानी बोलते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो करने का. मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट फेज टू बी इन द इंडस्ट्री बिकॉज इट गिव्स यू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. जैसे कि आप सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे साथ काफिर की है 2011 से, जैसा कि सिद्धार्थ ने कहा कि वो स्क्रिप्ट को लेके उन्होंने पहली बार सुना था. शायद किसी डिजिटाइजेशन की वजह से ही है कि आज ये कहानी आप लोगों के सबके सामने आने जा रही है 15 जून को. दिस इज़ द बेस्ट फेज यू नो फॉर एनी पर्सन हुज इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्री, बी अ क्रिएटिव पर्सन, बी अ टेक्निकल पर्सन, बी एन एक्टर, बी अ डायरेक्टर, बिकॉज यू गेट टू से यू गेट टू शोकेस सो मच मोर इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. फॉर एन एक्टर पर्सनली फॉर मी आई कम माई बैकग्राउंड इज टेलीविजन, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो डिजिटाइजेशन ने मुझे भी काफ़ी एक अलग तरीके से काम करने का मौका दिया है कि आप 3-4 महीने 5 महीने में एक सीरीज को ख़त्म करके उसके प्री पोस्ट का काम करके यू मूव ऑन टू द डिफरेंट थिंग्स. सो आई गेस दिस इज़ द बेस्ट फेज टू बी इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. अच्छा वो नो वी इंटेंशनली डिडंट रीड द बुक. इनफैक्ट आई मीन आई न्यू अबाउट द बुक बट वी डिडंट इवन tell you about the book because I think because it's inspired by true events and the take is really Bhavani's, it was important for us to just stick with what Bhavani was going with. थोड़ा कुछ कंटेंट हमने यूट्यूब पे देखा था विच इज़ कनेक्टेड जी मैंने जरूर देखा था क्योंकि जब मैं सिद्धार्थ से मिला था तो उन्होंने मुझे पहले बताया था कि ये कहानी जो है मेरा किरदार जो है ये कहानी एक रियल लाइफ इंसिडेंट से बेस्ड है और ये जो किरदार है ये एक जम्मू जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ पर्सनली वहाँ के एक लॉयर थे. तो आई गेस उनको देखने के लिए मैंने काफ़ी सब रिसर्च की थी इंटरनेट पे एंड ट्राइड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स. या दैट्स द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट वी कुड गैदर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.